हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कमिंग दिवाली के लिए मैंने अपने होम एंट्रेंस को किस तरह से सजाया है। तो चलिए इस छोटे से मेकओवर को स्टार्ट करते हैं। सो, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ बिफोर मेकओवर। तो कुछ ऐसा सा दिखता था ये। तो चलिए इस बोरिंग से दिखने वाले खाली खाली से वॉल को थोड़ा सा फेस्टिव लुक दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह का वाइट कलर में सेल्फ एडहेसिव एक वॉलपेपर इसको यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सारा सब कुछ मेजरमेंट मैंने अच्छे से ले लिया है एंड अच्छे से जितना भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर एक एक करके लगा रही हूँ। तो पीछे एक मतलब पेपर टाइप का आता है, उसको निकाल के इस तरह से पेस्ट करना होता है। लेकिन जब पेस्ट आप करो तो ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये एक बार पेस्ट हो जाते हैं तो निकलते नहीं है। तो इसलिए अच्छे से मेजर करके ही आपको जो है वो पेस्ट करना है। तो ये मेरा नीचे का जो हिस्सा है ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी ऊपर भी मुझे दो लगाने हैं, तो ये ऊपर भी हमने लगा दिया यहाँ पर। सो इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा मैरीगोल्ड को सजाते हैं, बिकॉज़ गेंदे के फूल के बिना तो कोई भी फेस्टिव लुक जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल मैंने बहुत दिनों से एक्चुअली ख़रीद के रखा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये रिसेंटली अभी मैंने परचेज़ किया है इस साल, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ये देख सकते हो, नीचे इस तरह का काइट के शेप में है एंड ऊपर जो मैरीगोल्ड का माला है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए इस तरह हमने और एक माला को लगा दिया यहाँ पर। बीच में थोड़ा सा लुक को इन्हांस करने के लिए ये वेलकम टू आर होम ये वाला लगा रही हूँ। बहुत ही ब्राइट कलर में है, पूरा फेस्टिव लुक के लिए बहुत परफेक्ट मुझे लगा। एंड फिर ऊपर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो ये जो मल्टी कलर में येलो एंड रेड ऑरेंज टाइप का एक था, उसको यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। एंड ये जितना भी हम लोग लगा रहे हैं सारे के सारे सेल्फ एडहेसिव जो टेप आते हैं उसके मदद से। एंड लास्ट ये जो देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो लास्ट में ये लगा रही हूँ मैं। कीप योर चप्पल एंड एटीट्यूड आउटसाइड, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ पर लगा रही हूँ उसको। देन मूविंग टू दिस कैबिनेट। सो ये वाला कैबिनेट हम लोग जूते रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड ये जो ग्लास है ना, उनको भी क्लीन कर दिया। फिर ये एक मेरा बनारसी दुपट्टा है, थोड़ा ब्राइट कलर में है, तो उसको यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए रनर या फिर एक कैबिनेट कवर की तरह। तो अच्छे से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अभी इसके ऊपर को थोड़ा हम लोग सजाते हैं। तो सबसे पहले तो एक इस तरह के छोटे से ट्रे टाइप का है, उसके ऊपर मैं कुछ रेड कलर में जितना मेरे पास था उनको यहाँ पर रख रही हूँ। एंड उस के चारों तरफ मैंने ये जो गेंदे का माला है ना, उसको मैंने सजा दिया। एंड फिर दोनों ही तरफ मैं लाइव प्लांट रख रही हूँ यहाँ पर। सो मैंने चार रखा लाइव प्लांट दोनों तरफ। फिर पूरे साइड में ये जो जगह थोड़ा गैप मिल रहा था, मेरे पास एक बड़ा सा ये डमकेन का प्लांट था, तो उसको रखा। एंड पीछे ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, उनको मैंने रख दिए। ये जो आप बनारसी का देख रहे हो, ये सिल्क का है, थोड़ा ब्राइट कलर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया। एंड ये जो आप बीच में ट्रे देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक तरह का ग्रास आता है, सबाई ग्रास, उसी से बना है। तो एक एग्जीबिशन से मैं लाई थी। एंड ये कुछ जैसे ये है, लास्ट दिवाली में मेरी बेटी ने इसको पेंट किया था, मैंने भी थोड़ा हेल्प किया था। ये भी एक DIY है। एंड दोनों ही तरफ इस ट्रे के मैंने ये जो कैंडल होल्डर है उनको रखा है। एंड ये प्लांट में आप देख पा रहे हो, प्लांट में ये एक सिंगोनियम है एंड पीछे कैलाडियम है, उसी तरह इस तरफ स्पाइडर प्लांट है एंड पीछे ग्रीन सिंगोनियम है। एंड ये जो पीछे देख रहे हो, ये भी इस बार मैंने ख़रीदा है, ये भी बहुत क्यूट है, इनको भी रख दिया। सो ये एरिया अब कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। तो अब चलते कंपेरिजन कर लेते हैं। दिस इज़ द बिफोर लुक एंड मूविंग टू द आफ्टर, दिस इज़ द आफ्टर लुक। सो आई थिंक एक बहुत ही कलरफुल सा फेस्टिव लुक अभी उभर के आ रहा है यहाँ से। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, दिवाली मतलब घर सजाना, रंगोली करना, मिठाई खाना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, वो दिए जलाना, वो घर में पूजा, वो जो खुशियों भरा माहौल आता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कलर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने भी इस बार सोचा कि वाइट के ऊपर जितना हो पाए कलर में ऐड करूँ एंड कोरोना के बाद ये जो लाइफ मिला है उसमें और भी खुशियाँ जो है वो भर दूँ। देन मूविंग टू दी सू रैक। सो आफ्टर मेकओवर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे तो एक बहुत ही पॉजिटिव दिवाली वाला जो फीलिंग आता है ना, अभी से ही आने लगा है। तो आप लोग भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। जो भी है, आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सो दैट आई कैन चेंज।
नेक्स्ट टाइम। एंड ये जो आप क्लिप देख रहे हो ना, ये मेरे मेन डोर से इस तरह से एंट्रेंस जो वो कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर ख़त्म होता है ये छोटा सा मेकओवर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर येस देन प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।